और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो मेरी सुबह हो चुकी है तकरीबन 3:30 बजे। तो मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद करेंगे सारी बातें, क्योंकि रात में हो गई थी देर वीडियो एडिट करते हुए। पहली दफ़ा एडिट कर रहा था तो मुझे नहीं पता था क्या करना है, तो ढूंढ डान के मैंने व्यूज वगैरह उस पर लगाई। तो खैर, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे इतना प्यार किया, ऐसे ही प्यार देते रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाते रहूँगा। तो अभी फिलहाल मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो ये देखो पराठा बन रहा है, रोटी नहीं पराठे खाने हैं मुझे, पराठा क्या बोला मिस ने? तो अभी तो पेपर पूरे भी नहीं हुए, पहले से बता दिया मिस ने। चलो भाई, अल्लाह खैर करे। तो मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, बहुत दुख होता है जब वो अपना नाप अपना दो और कपड़े बड़े भाई के साथ तो सिल जाएं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरे कपड़े जो इतने बड़े सिल गए हैं कि मेरे बड़े भाई को आएंगे अब, तो इसमें बड़े भाई का फायदा हो गया, लेकिन मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अभी मैं जाऊंगा उस टेलर के पास दोबारा, उसको बोलूंगा भाई किसका नाप ले लिया था, किस होश में था, कौन सी लड़की याद आ रही थी। तो बहरहाल अभी मैं चलता हूँ, बहुत दुख हो रहा है। तो अच्छा हुआ मैंने अभी चेक कर लिया, मुझे संडे को घर पे महफिल है उसमें पहनना था, उससे पहले अच्छा हुआ मैं ट्राई कर लिया। कभी कभी बीवी की बातें सही भी होती है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी बीवी की बातें अच्छी भी होंगी। हमारे इलाके में खुर्रम भाई जो है माशाल्लाह, पहले वो चिप्स का केबिल लगाते थे, अब उन्होंने माशाल्लाह वो काम बंद करके हलीम लगा लिया। तो हलीम की बात मैं यूँ कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो खुर्रम भाई हलीम बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, बहुत टेस्टी है, क्योंकि मैंने अभी तक वैसा हलीम नहीं खाया माशाल्लाह। सारी चीज़ें उनकी एक नंबर होती हैं, गोश्त से लेकर दालें वाले उनके होते सामान सारा माशाल्लाह। और ऐसी बात नहीं कि मुझे पसंद है माशाल्लाह, इलाके के तकरीबन लोग जो खुर्रम भाई को मतलब जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर ऑर्डर वगैरह भी बना। अरे कहना क्या चाहते हो, हलीम बनवाया या खाया है, हमेशा हमें वैसे हलीम मिलता है। तो चलते हैं हम खुर्रम भाई की केबिन पे, फिर वहाँ मिलते हैं खुर्रम भाई के काउंटर पे। मैं आया तो ज़रूर काम होगा, तो आइए चलिए मैं खुर्रम भाई साहब को लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है खुर्रम भाई? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। और सब ठीक ठाक, काम वाम कैसे चल रहा है आपका? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा खुर्रम भाई, मुझे आपसे पूछना था, आप माशाल्लाह चीज़ का कारोबार आपको बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने ये सुना आपका हलीम भी बहुत टेस्टी है, तो लोगों ने आपको काफी मशवरा दिया हलीम का, या अपना आपका कोई एक जेन है? नहीं, ये मेरा जेन था, मैं कैटरिंग तालीम बनाता रहता था। अच्छा माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने माशाल्लाह 4 जगह पे कैटरिंग डाली है। अच्छा, 4 जगह पे मेरे काउंटर है। अच्छा अच्छा। एक गार्डन पे है, एक जमशेद रोड पे। अच्छा अच्छा। और एक लालू खेत पे। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह तो चारों ब्रांचों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अल्लाह पाक आपको ऐसी कामयाब करे, आए और टेस्ट ले। तो खुर्रम भाई बहुत अच्छे इंसान भी है। का सीन ये है कि हलीम खाने का बड़ा मूड हो रहा था, नसीब की बात थी कि पिछले साल की बात है कि खुर्रम भाई के घर पे महफिल थी 11वीं की, तो माशाल्लाह वहाँ पे हलीम खाना नसीब हुआ। लेकिन यकीन करें, एक साल से हलीम की तरह से आज मौका दोबारा मिल रहा है, इंशाल्लाह हफ्ते को उनके घर पे महफिल है। तो हलीम है या कुछ और है? नहीं, बीफ बिरयानी। अरे यार ऐसा नहीं करो। चलो इंशाल्लाह फिर कभी हलीम बताना चाहेंगे अपने हलीम के खासियत जो दूसरे हलीम में ना हो। भाई हमारे पास ये है कि हर चीज जो है वो एक नंबर है। अच्छा, गोश्त से लेके हर चीज हम लोग एक नंबर डालते हैं, मतलब खाने वाले को मजा आएगा, 100%। अच्छा अच्छा जबरदस्त। तो खुर्रम भाई इंशाल्लाह दुआ करते हैं आपका कारोबार चलता रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।